नमस्कार साथियों साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून को भारत चीन सीमा पर हमारे वीर सपूतों ने चीन से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग किए और शहादत प्राप्त की। हम कहना चाहते हैं कि उन वीर सपूतों की शहादत, उनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। हमारी आर्मी हमेशा से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती आई है और फिर देगी, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो हमारा एक सर ले जाएंगे, हम उनके 10 सर ले आएंगे, हम उन्हें घुस कर मारेंगे, कोई हमारी तरफ आग दिखाएगा हम उसकी आग निकाल लेंगे, लेकिन ये सब उनके जुमले साबित हुए हैं। आज चीन हमारी सीमा में घुस आया है, लेकिन हम चीन को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी देश की आर्मी आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आपकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। और आप याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने भी आपको सबक सिखाया था, और आप ही क्या, पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, और पाकिस्तान के घुस कर उसके देश में उसके 2 टुकड़े करने वाली है, उस आयरन लेडी को आज पूरा देश याद कर रहा है। और याद रखिए, हिंदुस्तान की आर्मी पूरी दुनिया की मजबूत आर्मी है और हम जल्द इसका हिसाब लेंगे। लेकिन हम सवाल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने इस नाजुक घड़ी में जब उनको जवाब देना चाहिए था तो अपनी बगले झांक रहे हैं, वो सामना नहीं करना चाह रहे हैं। और ये बात वो याद रखें कि वो देश के मुखिया हैं और उनसे सवाल पूछना जनता का लाजमी है कि चीन हमारी सीमा में कैसे घुस आया। प्रधानमंत्री जी, आर्मी को खुली छूट देखिए, फिर देखिए, आप अब चाइना के साथ झूला मत झूलिए, अब उनके साथ गले में याराना मत करिए, अब मौका है जब दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाइए। हम फिर से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कांग्रेस परिवार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन वीर सपूतों के परिवारों के साथ खड़ी है। धन्यवाद।